नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का मुद्दा इस समय पूरे देश में छाया हुआ है। इस मामले में एनटीए पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। स्टूडेंट्स नीट परीक्षा को लेकर विरोध में उतर गए हैं और फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने कोटा में स्टूडेंट से बात की और उनके मन की बात जानी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट, एक ऐसा नाम जिसके परिणाम जब से घोषित किए गए उसने पूरे देशभर में उसकी चर्चाएं बनी हुई है। चर्चाएं इसलिए बनी हुई है क्योंकि 4 जून का वो दिन था जब इसका परिणाम घोषित किया गया और परिणाम की घोषणा के साथ ही पूरे जो देशभर के बच्चे थे उनमें खुशी का माहौल तो देखने को मिला, मगर धीरे धीरे वो खुशी का माहौल मायूसी में बदलता गया। इस समय मैं उन्हीं नीट के बच्चों के बीच में मौजूद हूं। एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हाथ में ये बैनर लिए कि #रीनीट की ये लगातार गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि जिस तरीके के परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं इनके साथ छल हुआ है और इस परीक्षा को दोबारा कंडक्ट करवाया जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। मगर ऐसा इन बच्चों का क्यों कहना है, सबसे पहले मैं सुनील जी से जानना चाहूंगा जो कई सालों से नीट की प्रिपरेशन कराने वाले बच्चों को पढ़ाते आए हैं, ये बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। एनटीए का आपने हाथ में एक कागज लिया हुआ है, क्या कुछ पॉइंट्स है, क्यों ये बच्चे हाथ में ये बैनर लिए हुए हैं और री नीट की क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का और इंडिया न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट से हमारी आवाज आगे तक गई है और अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने नीट काउंसलिंग पे रोक लगा दी है, जो बच्चों की पहली जीत है। और दूसरी जीत हमारी होगी जब कोर्ट के सहयोग से, आपके सहयोग से इन बच्चों का री एग्जाम होगा यानी रीनीट होगा। तो रीनीट तो हमें किसी भी कीमत पे कराना है और आपका इतना साथ है, डेफिनेटली रीनीट होगा क्योंकि एनटीए पे प्रेशर बनेगा। अब आप बात कर रहे हैं ये प्रेस रिलीज की, मेरे हाथ में जो प्रेस रिलीज है इसमें 5 पॉइंट एनटीए ने दिए हैं, अपने 5 क्लैरिफिकेशन दिए हैं। मैं इनको ये नहीं कहूंगा ये 5 क्लैरिफिकेशन है, ये एनटीए की 5 मिस्टेक्स हैं जिससे पता चलता है कि एनटीए ने साफ धांधली की है। जैसे अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें लिखा है कट ऑफ ऑफ नीट यूजी और यहाँ पे वो क्वालिफाइंग मार्क्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन ये बात हो रही है क्वालिफाइंग मार्क्स की। अगर आप इसमें देखें 164 मार्क्स नीट 2024 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या 164 वाले को कॉलेज मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा भाई। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि आप काउंसलिंग के लिए इलिजिबल है और कट ऑफ का मतलब होता है कि अगर कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आपके हैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं 608 अप्रोक्स कट ऑफ रहा था ऑल इंडिया कैटेगरी का, जनरल ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में। तो इसमें अगर हम बात करें 608 पे मार्क्स एडमिशन लास्ट ईयर मिला है, क्या इस बार 164 में मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। और अगर हम बात करें रैंक की, ऑल इंडिया रैंक 25,000 पे लास्ट ईयर एडमिशन मिला था, इस बार 655 नंबर पे 25,000 रैंक आ रही है, यानी 164 नंबर आप क्यों दिखा रहे हो? इसका मतलब वो मीडिया को मिसगाइड कर रहे हैं कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स में। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इन्होंने ग्रेस मार्क्स की बात की है कि जो बच्चों का टाइम लॉस हुआ है उसके हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और इन्होंने इसमें साथ में ये भी बोला है कि कोर्ट ने ऐसा बोला था कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन 2022 में भी ऐसा हुआ, 23 में भी ऐसा हुआ, तो उन बच्चों को क्यों नहीं मिले? हमारी क्लास में एक बच्ची है, उसका 10 मिनट वेस्ट हुआ था, उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, तो आप ग्रेस मार्क्स किसको दे रहे हैं भाई? टाइम के बदले आप मार्क्स दे रहे हो, टाइम के बदले उनको टाइम दो। अगर 20 मिनट पेपर लेट हुआ है तो आप 520 की बजाय उनका पेपर 540 तक कर सकते हैं। या जैसे इन्होंने बताया कि 1563 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिया, यहाँ पे लिखा 1563 कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट है इनको आपने ग्रेस मार्क्स दिए, अच्छा होता अगर इन बच्चों का आप री एग्जाम करा लेते एक वीक के बाद, दो वीक के बाद, तो आपको ये सफाई नहीं देनी पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं करना, इनको तो धांधली करनी है ना, इसलिए अब देखो आप 1563 कैंडिडेट है, 615 नंबर पे लास्ट ईयर 22,000 रैंक थी, इस बार 615 पे 65,000 रैंक है, तो अगर आपने ओनली 1563 कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स दिए जिसके कारण स्कोर काफी बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं कि ज्यादा मार्क्स पे भी अच्छी रैंक नहीं आ रही है, तो ये 40,000 बच्चे कहाँ से आए? 615 पे 65,000 बच्चे हो गए, 40,000 बच्चे कहाँ पे से आए? 1563 को अगर हम हटा भी दें, तो आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, नीट के लिए तैयार करते हैं, क्या आपको लगता है कि बच्चे, या कहे 2024 में नीट की तैयारी करने वाले बच्चे इतना पढ़ लिए कि इतना स्कोर कर लिए एक साथ? देखो सर, हम एनालिसिस करते हैं, इस बात पे मैं ये कहूंगा
एनटीए अपनी तरफ से एक कमेटी बनाए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के प्रोफेसर हों, वो लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस करे, इस साल के पेपर का एनालिसिस करे और उस बेस पे बताए कि कौन से पेपर का टफनेस लेवल क्या है। उसके बेस पे अगर आप देखेंगे, मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ा सा पेपर इजी भी था, मैक्सिमम 5 to 8 marks, यानी इस बार कट ऑफ अगर हम बात करें 615 या 616 नंबर, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप कट ऑफ देखो 655 में भी कुछ नहीं मिलेगा, तो ये 40-50 नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है जी, बिल्कुल। देखिए ये बड़ी बात है कि जहां पर 600 प्लस होने पर एक अच्छा मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पढ़ाई के लिए मिल जाया करता था, तो अब 650 या 655 होने पर भी वो मेडिकल कॉलेज उस बच्चे को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही एक 650 नीट के एग्जाम में स्कोर किए बच्चे के माता पिता हमारे साथ मौजूद है, जो इस स्थिति में हमारे पास पहुंचे हैं कि आगे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बच्चे ने अच्छा स्कोर भी किया है मगर वो बच्चा भी तनाव की स्थिति में है, जिससे अब माता पिता भी इस असमंजस की स्थिति में है कि आगे किस तरीके से क्या निर्णय लिया जाए। मैम सीधा आपसे बात करना चाहूंगा, कितना आपके बच्चे ने स्कोर किया और अब किस तरीके की स्थिति बनी हुई है बच्चे की? सर बच्चे ने 650 नंबर का स्कोर किया है और हमें काफ़ी उम्मीद थी कि 650 पे उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि 650 पे उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल नहीं एडमिशन होगा। बच्चे की स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है, वो घर से बाहर नहीं निकलता है, घर में अंदर ही रोता रोता रहता है, बीमार सा हो गया है, काफ़ी डिप्रेशन में है, तनाव में। अब उसका भविष्य क्या है, क्या करें हम आगे, कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब ये एग्जाम बच्चा दे के आया था उसका तब क्या कहना था, और अब जब परिणाम घोषित हो गए हैं तो क्या एक तरीके से कहे कि डिप्रेस हो गया है बच्चा? जब वो एग्जाम दे के आया था, उसने अपना पेपर मिलाया आंसर की से, तब वो काफी खुश था कि मेरे 650 नंबर आ रहे हैं और 650 पे मुझे काफी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जब स्कोर कार्ड आया और उसमें रैंक देखा तो 30,000 से भी ज़्यादा रैंक आ रहा है, तो वो डिप्रेशन में गया कि 30,000 पे मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अब वो सोच के परेशान है कि इतने अच्छे नंबर पे भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, अब क्या करूँ मैं आगे। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके की स्थिति है कि बच्चे इस परिस्थिति में आके एक जगह ठहर गए हैं कि किस और जाना चाहिए ये नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे साथ उस बच्चे के पिताजी भी मौजूद है, जो कहीं ना कहीं न्याय की गुहार, न्याय की उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर क्या आपका मानना है, किस तरीके से देखते हैं इस नेट के परिणाम? सर ये परिणाम जो है आशा से विपरीत आया है। बच्चे के 650 नंबर है और 650 नंबर पे हम ये सोच रहे थे कि उसका परिणाम आया तब कि भाई अच्छा उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, पर 650 का स्कोर अर्न करने के बावजूद भी बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें, कुछ सोच नहीं पा रहे। बच्चा हमारा जो है जिस दिन परिणाम आया था 4 जून को, उसी दिन से डिप्रेशन में है, कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, उसकी ऐसी स्थिति हमारे से देखी नहीं जा रही है। हम एनटीए से गुजारिश करना चाहते हैं कि एक बार ये वापस एग्जाम रीनीट हो, इस आशा से हम एनटीए से गुजारिश करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए परिजनों का, माता पिता का और खुद बच्चों का मांग सिर्फ एक है कि रीनीट कराया जाए, ये दोबारा जो परीक्षा है उसको करवाया जाए। मगर हमारे साथ वो बच्चे भी मौजूद है जो अलग अलग जिले, अलग अलग राज्यों से कोटा नगरी यानी शिक्षा नगरी में आकर तैयारी कर रहे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर उनका चयन होगा। क्या नाम है आपका और किस तरीके से आपने जब ये एग्जाम फेस किया, जब ये एग्जाम फाइट किया, किस तरीके से देखते हैं, क्या लेवल रहा था पेपर का? मेरा नाम शहजाद अहमद है और जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो पिछली बार की तरह मतलब सेम था, मतलब थोड़ा सा लेंथी था, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जानी नहीं चाहिए, अगर जानी भी चाहिए तो 5 से 8 marks, इससे ज़्यादा नहीं। इन्होंने 45 marks ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और ये साफ साफ पता लगता है कि 45, ऐसा तो है नहीं कि एक साल में बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ने लगे, इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो गए बच्चे, बच्चों का लेवल वही है जो पहले था। तो मतलब इससे साफ साफ ये पता लगता है कि प्रॉपर धांधली हुई है, कम से कम 30 से 40 हज़ार बच्चों को चीटिंग कराई गई है उन्हें। जब आप एग्ज़ाम देकर आए होंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद जब बच्चा अनुमान लगाता है तो कहीं ना कहीं उससे ये हम कयास लगा लेते हैं या उसको ये अनुमान हो जाता है कि मैं कितना स्कोर करूंगा, कितना मैं कहां पर, मेरी कितनी क्रेडिबिलिटी है, मैं कहां स्टैंड करता हूं, तो आपने कितना एक्सेप्ट किया था, क्या उससे विपरीत रिजल्ट आया? हाँ मतलब अनुमान तो यही था कि 615 से तो ऊपर कट ऑफ जानी नहीं है, क्योंकि पिछले
इस साल 608 गई थी, तो अगर 6 मार्क्स 8 मार्क्स बढ़ा लीजिए तो मैक्स टू मैक्स 615, लेकिन जब रिजल्ट आया तो जो पिछली बार 620 मार्क्स में 24,000 के करीब रैंक थी, इस बार 58,000 पहुँच गई। 24,000 और 58,000 के बीच में कितना फ़र्क होता है, ये इतने सारे बच्चे आए कहाँ से? और ऐसा नहीं है कि मतलब कि बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल भर तैयारी किए, बाकी भी कोचिंग में जो साल भर टेस्ट हुए मार्क्स वही थे, किसी के 720 में नहीं आ रहे कोचिंग में टेस्ट, एक दो बच्चों के 720 आ रहे कोचिंग में टेस्ट, और यहाँ 67 बच्चों को अपने 720 दे दिया, 715 300 बच्चे हैं, ये नहीं समझ में आता है जी। बिल्कुल देखिए, और जब ये ग्रेस मार्क्स के सवालात किए गए तो एनटीए ने इस पर कहा कि फिजिक्स में एनसीईआरटी से संबंधित और जो बच्चों को लेट पेपर मिला उसका हवाला दिया, मगर उन बच्चों से हम सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से एनटीए ने इस पर सफाई दी है, क्या कुछ मामला था, किस तरीके से पेपर लेट हुआ और क्या वो प्रश्न था, आपने भी एग्जाम फाइट किया, कौन सा वो प्रश्न था, कौन से सब्जेक्ट का था और किन किन सेंटर्स पर जो है ये पेपर लेट मिला, तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स देना सही था? सर एक्चुअली प्रॉब्लम एनटीए में अभी से नहीं है, स्टार्टिंग से, पहले तो इनका सिलेबस नहीं क्लियर होता है, हाफ सिलेबस कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। सेकंड चीज, ये बोलते हैं पेपर एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी से बनेगा, लेकिन क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी से देते हैं और फिर कन्फ्यूजन बाद में बच्चों को होता है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आई, पेपर हुआ जिस दिन उस दिन अगले दिन हमको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया पटना में, वहाँ भी ये नहीं माने। फिर प्रॉब्लम कहाँ आई, रिजल्ट वाले दिन प्रॉब्लम आ गई, रिजल्ट आता है पता चलता है कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चला गया। प्रॉब्लम फिजिक्स वाले क्वेश्चन में थी, उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था न्यू एनसीईआरटी से और आंसर दिया हुआ था ओल्ड एनसीईआरटी से, वहां भी बच्चों को प्रोटेस्ट ही करना पड़ा कि हमें दोनों आंसर सही है, तो ये उन्होंने दोनों आंसर मान लिया। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें पेपर कहां से बनाएंगे, ओल्ड एनसीईआरटी से या न्यू एनसीईआरटी से। इसके बाद हुआ क्या, स्कैम इतने मास लेवल पे हुआ कि कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, प्रॉब्लम यहां हो रही है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, मेंटल हेल्थ उनकी खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है, एनटीए है या गवर्नमेंट है, बस ये हमको बता दें, और रीनीट का डेट बता दें कब करवाएंगे वो, हमें इसकी बहुत जरूरत है, हमें रीनीट का डेट चाहिए, रीनीट नहीं चाहिए, हमको मन बना लिए हैं कि वो तारीख दे दी जाए जिस दिन ये परीक्षा दोबारा ले ली जाए। बिल्कुल, मुझे डेट चाहिए, हमारे जैसे 25,00,000 बच्चों को डेट चाहिए, कब करा रहे हैं रीनीट, बस ये बता देंगे जी। बिल्कुल देखिए, और कहे कि एक बहुत जरूरी बात ये हो जाती है कि अलग अलग राज्यों से जब कोटा लोग पहुंचते हैं तो ये सोचकर आते हैं कि शिक्षा नगरी में जा रहे हैं अपना भविष्य निर्धारित करने, कि क्या बनकर आएगा, ये कोटा में जब शिक्षा नगरी में पढ़ाई करेंगे तो वहां जाकर डिसाइड करेंगे नीट फाइट करेंगे या जेईई फाइट करेंगे। मगर जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं या कहे बच्चे तनाव की स्थिति में आते हैं, तो अब धीरे 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 कोटा जो शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है वो सुसाइड नगरी के नाम से ज्यादा प्रचलन में आजकल सुनाई देने लगी है। यहाँ के आम लोग भी इसके बारे में बात करने लगे हैं कि किस दिन कौन बच्चा सुसाइड कर रहा है, इस तरीके के केस आना अगर बंद हो तो हमारी जो कोटा नगरी है, कोटा शहर है, वो और ज्यादा सुंदर और हमें सुरक्षित महसूस करवा सकेगा। बालिकाएं भी हमारे साथ है, छात्राएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है किस तरीके से देखते हैं जो 2024 का नीट का पेपर हुआ? यहाँ तो पूरी तरह से दिख रहा है कि एनटीए वालों ने फुल्ली स्कैम किया है, उन्हें स्टूडेंट्स की लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हमें भी पता है कौन कौन इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। जब सीबीएसई के बोर्ड्स के पेपर में बच्चों के फुल मार्क्स इतने अच्छे से नहीं आते, तो कम्पटिटिव पेपर में आपके इतने फुल मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं, इतने कहाँ से बच्चे इंटेलिजेंट हो गए एक साल में, हमें तो बिलीव नहीं है। और हमें एनटीए वालों की कोई बकवास एक्सक्यूजेज भी नहीं सुननी है, और आप जो बैठ बैठ के नोटिस निकाल रहे हो, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें बस रीनीट चाहिए, और आप हमें बता दो कि हमें रीनीट कब देना है, हमें आपकी बकवास नहीं सुननी है। आपको क्या लगता है कि बच्चे इतना सीरियसली ले लिए नीट को, हालांकि पढ़ाई ऐसी है, एग्जाम ऐसा है कि सीरियस ही होकर पढ़ा जाता है, मगर इतना कि एक बार में इतने टॉपर आ गए, जहां ये रेशो 1, 2, 3, 4 हुआ करता था मैक्स टू मैक्स, इस बार इतना हाइक पे पहुंच गया, क्या कारण है इसका? नहीं नहीं, इतना इजी तो पेपर था नहीं कि सब लोग जाके इतना बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे और सबके 720 नंबर आ जाएंगे। पिछली बार भी बच्चे हुए हैं, हर साल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका रेशो रहता है 2 से 3, 4, लेकिन इतना बच्चा जाएगा, अभी भी जा सकता था, 8 बच्चा कर देते, वो 7 बच्चा कर देते, इतना बच्चा तो हमें एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। तो ये हमें नहीं लगता कि ये बिल्कुल सच है कि इतने बच्चों के 720 में 720 आ सकते हैं, तो हमें चाहिए कि रीनीट हो। हम भी इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, कितने सालों से बच्चे यहाँ आते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं, सब टाइम भी देते हैं, लेकिन उनको ये इस चीज़ का कुछ फ़ायदा तो नहीं मिल रहा। इन सब ने ऐसा कर दिया, एंटी ने ऐसा कर दिया, तो अब बच्चे कैसे करेंगे, उनके माइंडसेट पे कितना असर हो रहा है।
क्या लगता है आपको, फेयरली जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया? नो सर, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जैसे इन्होंने बताया कि 720 मार्क्स 60 प्लस स्टूडेंट के आना इज नॉट डाइजेस्टेबल. अकॉर्डिंग टू मी 10 बच्चों के फिर भी आते तो भी समझ में आता, बट 67 बच्चों के इतने मार्क्स आना, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम फेयरली कंडक्ट हुआ गया था, और इसके लिए रीनीट होना बिल्कुल जरूरी है. मैं सभी से एक ही बात सुन रहा हूँ, चाहे टीचर हो या बैठे उनके माता पिता हो, रीनीट की बात हो रही है, मगर एक साथ एक आवाज में मैं सुनना चाहता हूँ कि कैसे इसका सलूशन हो, क्या आप लोग चाहते हैं? मांग सिर्फ एक आवाज, एक सुर, कि इस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाया जाए, रीनीट करवाया जाए. मगर सवाल कई है, जवाब देना होगा उन तमाम अधिकारियों को, क्योंकि कोटा नगरी सुसाइड नगरी में जब तब्दील हुई, जब बच्चा उस पर प्रेशर बना, उस पर तनाव की स्थिति बनी, अलग अलग नियम बना दिए गए, पंखे उतार दिए गए, हॉस्टल कॉलेजेस पे जालियां छड़ा दी गई कि बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट ना करें. मगर जब इस तरीके के मामले निकल कर आते हैं कि NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर बड़े सवालात खड़े किए जाते हैं, और वो सवालात यही बच्चे कर रहे हैं जो उनके द्वारा करवाए गए एग्जाम में एग्जाम देकर आए हैं, तो ऐसे में इनके जिम्मेदार कौन होगा? सवाल कई है, जवाब ये बच्चे चाहते हैं, जवाब दे ही वो खुद तय करे कि कौन सामने आएगा और इनके जवाब देगा. कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव. वहीं भीलवाड़ा की बेटी इरम ने नीट में परचम लहराया है. इरम काजी ने ऑल इंडिया वन रैंक हासिल की है. हमारे सहयोगी प्रहलाद ने इरम काजी से खास बातचीत की. इरम काजी ने नीट में 720 में से 720 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, और इसको लेकर आज पूरे भीलवाड़ा में आज एक उत्साह का माहौल है. अभी हमारे इरम काजी के परिवार में जहां हम देख सकते हैं कि पूरे यहां पर खुशी का माहौल है, और हमारे साथ इरम है, इनसे हम चर्चा कर लेते हैं. इरम, आज कैसा महसूस कर रहा है, ऑल इंडिया की फर्स्ट रैंक आपको मिली है? जी, ये उपलब्धि प्राप्त करके बहुत ही खुशी हो रही है, और ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था इतना मिल गया, मगर बहुत बहुत धन्यवाद है जिन मेरे टीचर्स का और मेरे माता पिता का, मैं बहुत खुश हूँ. यहाँ तक पहुँचने में परिवार का कितना सहयोग रहा? परिवार वालों ने मुझे हमेशा मोटिवेट करा, और हमेशा हर जगह पर मेरा सहायता करी, चाहे वो सामाजिक कार्यों से दूरी बनाने में भी हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, उन्होंने हमेशा मेरी मदद करी. कितना घंटे पढ़ाई की आपने? मैंने लगातार 12 से 14 घंटे रोज पढ़ाई करी थी, और टेस्ट वगैरह दिए थे. कहाँ से कोचिंग लिया और स्कूलिंग कहाँ से हुई थी आपकी? मैंने आकाश जयपुर से कोचिंग करी थी, और स्कूलिंग मैंने स्टीवर्ड मॉरिस स्कूल इरास ब्रांच से करी थी. क्या महसूस कर रहे हैं आज, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है? जी, बहुत खुशी हो रही है ये अचीव करके, और मैं सबकी बहुत आभारी हूँ, मेरे मम्मी पापा और टीचर्स. बहुत बड़ा टफ कंपटीशन होता है, लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, फिर कैसे इस टफ फाइट को आपने? नीट में इस साल भी 24 लाख बच्चे बैठे थे, और 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, और ये कंपटीशन बहुत ही बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो इसमें ज़रूरी ये है कि आप अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में डीमोटिवेट भी हो जाते हैं आजकल, और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उससे वो गलत कदम उठा लेते हैं. तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए योगा, या फिर अपने घर वालों से बात करना, या आपको जो भी चीज़ पसंद है उसको भी पढ़ाई के साथ लेते हुए चलें, तो उससे आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और आप पढ़ाई में और भी उत्साह के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको वो याद भी ज़्यादा रहेगा. फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में मैं MBBS एम्स दिल्ली से परस्यू करना चाहती हूँ, और अच्छा डॉक्टर बन के देश की सेवा करना चाहती हूँ. क्या मैसेज देना चाहेंगे छात्रों को अपने? मैं आने वाले नीट एस्पिरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लगातार हार्ड वर्क करते रहें, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, हर दिन पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा चल सकता है, आपकी अगर बॉडी उसको अलाउ नहीं कर रही है तो, मगर रोज़ पढ़ाई होना ज़रूरी है, और लगातार टेस्ट देते रहें, और अपने आप को एनालाइज करते रहें, और NCERT
तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें और उससे आपका नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकलेगा। बिल्कुल, इरम के पिताजी इरशाद आलम काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेटी ने आज इतना बड़ा नाम रोशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी का पल है, बहुत ही गर्व का पल है कि हमारी बच्ची ने आज 720 में से 720 मार्क्स इतने बड़े एग्ज़ाम में अचीव किए हैं। हम सभी के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है और आज बच्ची के नाम से हमें पहचाना जा रहा है, ये निसंदेह एक पिता के लिए अविस्मरणीय गौरव का विषय है।